यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बढ़ते अगली खबर की तरफ। पंचकुला में एक लेक्चरर की मौत का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार लेक्चरर की मौत एक्सपायरी दवाई खाने के कारण हुई। लेक्चरर नेहा ने अल्केमिस्ट अस्पताल में 3 दिन पहले भर्ती कराया गया था। सिर दर्द की दवाई खाने के बाद नेहा की तबीयत बिगड़ी थी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो आपको बता दें, एक लेक्चरर की मौत हो जाती है और मौत की वजह बताई जा रही है एक्सपायरी दवाई, लेकिन क्या असली वजह है ये पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगा। आपको बता दें कि 3 दिन पहले लेक्चरर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उसने सर दर्द की दवाई खाई थी और ये दवाई एक्सपायर डेट की बताई जा रही है, जिसके बाद दवाई खाने के बाद महिला लेक्चरर की हालात बिगड़ गई और उसकी मौत हो जाती है। अल्केमिस्ट अस्पताल में भर्ती करवाया गया था महिला को, जहां पर यह वजह बताई जा रही है कि एक्सपायरी दवाई खाने से महिला लेक्चरर की मौत हो गई है। पंचकुला से खबर है जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लेक्चरर की मौत हो जाती है एक्सपायर डेट की दवा खाने से, और आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती करवाया गया था सरदर्द की बीमारी को लेकर, जहां पर दवाई दी जाती है और दवाई खाने के बाद लेक्चरर की हालत बिगड़ जाती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है।